आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर पटना से। बिहार के पटना के IGIMS अस्पताल से एक मरीज के परिजन द्वारा रिवॉल्वर लहराने का मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों में से एक द्वारा रिवॉल्वर लहराने के कारण अस्पताल स्टाफ के बीच डर का माहौल उत्पन्न हो गया। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा सही तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है। इस पर अस्पताल का कहना है कि मरीज की स्थिति बेहद गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में IGIMS के डॉक्टर द्वारा FIR दर्ज की गई है। मामला शास्त्री नगर थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस ने BJP नेता सुमित समेत कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कहा भाजपा की सरकार में किस तरह से गुंडा राज है। कल तक जिस तरह से राजद पर आरोप लगा रहे थे जंगल राज का, तो यह फिर क्या मंगल राज है? बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है तो अपना काम कर रही है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं। IGIMS में कल हंगामा किया गया है परिजनों के द्वारा। एक महिला की मृत्यु के बाद रिवॉल्वर लहराया गया है और आज IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पे है, OPD नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैरकानूनी काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो IGIMS का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि RJD की तरफ से कि यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, देखिए 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है, उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कहिएगा मैडम, पहले आप लोग को जंगल राज कहता था। भाजपा भाजपा नहीं है, भाजपा भाजपा नहीं रह गया है, जंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, आजकल देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा भाजपा नहीं रह गया है पहले जैसा, गुंडा का राज आ गया है। और गुंडा तो लहराइबे करेगा, पहले भी हुआ था, BJP के लोग बंदूक ला रहा था, आज भी हो रहा है। नशा होता है, मर्डर अपहरण बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, आई का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है, सो पूरा देश में। BJP के लोग मंत्री जी कहते हैं इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। BJP कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। क्या है जंगल राज नहीं कहता है, क्या है गुंडा राज है ना? अरे गोपाल मंडल में तो पूरा गुंडा उतर गया है BJP में, पूरा देश भर के गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, वो लोग कहता कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज के उठवा लेता है सब। क्या कर रही है मुख्यमंत्री जी? चुप हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैडम नहीं बोल रहा, उनका काम है, कारा काम है। कभी भी हॉस्पिटल में कल देर रात जो है बहुत अफरा तफरी मची, वहाँ एक गोली चली है, मतलब पिस्टल निकाला गया। तो उसमें एक जो जानकारी आ रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, इसको लेकर विधानसभा में हंगामा मचा है, विपक्ष लगातार आप पर हावी है। विपक्ष और राबड़ी देवी ने साफ कहा है कि गुंडों का राज आ गया है। देखिए देखिए लोग लाए हैं, देखिए इस पर क्या कहें। देखिए इस वीडियो को या इस घटना को मैं नहीं जानता हूँ वह कौन है, लेकिन मैं इतना दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है। मैं बड़े दावे और विश्वास के साथ फिर दोबारा आपको बताने का काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता व नेता जिस प्रकार की आप बात बता रहे हैं
उस प्रकार की घटना, उस प्रकार के कार्य करने का काम नहीं कर सकता है। और पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस जांच कर सकती है, और जो भी होगा, यदि दोषी होगा चाहे कोई भी हो, वह जेल की सलाखों में जाएगा, चाहे कोई भी हो। आप जिस 17 महीने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर चल रहे हैं, हर जिलों में अपना सभाएं एक दिन में कर रहे हैं, और वहां पर वही 17 महीने का जो कार्यकाल है उनका, जो विकास किए हैं, जो रोजगार दिए हैं, उसका चर्चा कर रहे हैं आप, उन्हें विकास किए कहाँ है, कई लाख नौकरी देने का उन्होंने दावा कर रहा है। तेजस्वी यादव जी उस महती सभा में क्या यह बताने का काम करेंगे कि मेरे हस्ताक्षर से मैंने एक भी नौकरियां दी? देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश व आदेश से ही नियुक्तियां होती है, और वह जिस नियुक्तियां की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं और अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं, यह बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है।